मेरा नाम है डाइटिशियन नताशा मोहन और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एकदम पैसा वसूल बजट फ्रेंडली डाइट प्लान, क्योंकि द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। जब आप रुपया कमाते हैं तो कितनी मेहनत से, और जब खर्चा हो जाता है वो भी वजन कम करने जैसी चीज में, तो बहुत बुरा लगता है। तो अब आपको फालतू का खर्चा नहीं करना, घर बैठे बैठे जिस तरह का खाना खाना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इतना अच्छे से वेट लॉस भी होगा, खर्चा भी नहीं होगा। तब भी तो आजकल कोट में पॉकेट ही बनानी बंद कर दी है भाई। जब पॉकेट खाली ही रहनी है तो बनाने की क्या जरूरत है। इसीलिए मैं आप सबको यही बताऊंगी कि पैसा वसूल डाइट प्लान ही फॉलो करिए। ये अमीरों के चोचले महंगा महंगा सामान खरीद के, जैसे कि एवोकाडो, एस्पैरेगस एंड व्हाट नॉट, उनको खा के तो हर कोई पतला हो सकता है। दम है तो अपने घर का दाल रोटी सब्जी चाहे टिक्की भी मिले खाने को, फिर कैसे पतला होना है आइए मैं दिखाती हूँ। आप में से इस वीडियो को देख रहे कितने सारे लोग ये समझते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, डाइट फूड खाएं तो कैसे खाएं? व्हाट? ये अगर आपको फिगर मेंटेन करना है तो इसका महंगाई और डाइट फूड से क्या लेना देना। आप लोग सोचते बड़ा हैं, किसने कहा कि डाइटिंग करेंगे तो अपने लिए अलग, घर वालों के लिए अलग, उफ सारा दिन किचन में ही बिजी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डाइट प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो जो आप खाएंगे वही घर वाले भी खाना पसंद करेंगे, और जो वो खा रहे हैं वो भी आप लोग खा सकेंगे। इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों को मेरा चैलेंज है, इस वेट लॉस डाइट प्लान को अगर एक हफ्ता भी फॉलो करेंगे ना तो बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, ताकि आप एक एक चीज प्रॉपरली समझ सकें, नोट्स ले सकें और जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस रिजल्ट अचीव कर सकें। अब इतना बढ़िया डाइट प्लान लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो से, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये पैसा वसूल पॉकेट फ्रेंडली बजट फ्रेंडली डाइट प्लान की शुरुआत। सुबह सुबह आपने उठते ही लेना है 2 ग्लास गुनगुना पानी। ये बिल्कुल निशुल्क, मुफ्त आप लोगों के घर में ही पाया जाता है। अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये अगर आप लेंगे सुबह सुबह तो ये भगवान की बनाई हुई ऐसी देन है जो आपके शरीर में जाते ही सुबह सुबह बिल्कुल अमृत का काम करती है। आपके शरीर को तरोताजा, रिजुविनेटेड और सारे टॉक्सिन से मुक्त करने की क्षमता रखती है। तो जल्दी से 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मील में। तो नेक्स्ट मील है आपका 1 घंटे के बाद, जो कि आपने लेना है फ्रूट्स। अब देखिए, फ्रूट्स में आपके पास बेहद अच्छी वैरायटी है। अपने घर की पास की डेयरी में जाइए और जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनमें से कुछ भी खा सकते हैं। क्वांटिटी भी कोई गिनती नहीं है, जितना खाना है खाइए। आजकल चेरीज हैं सीजन में, आड़ू है, एप्पल है और पपीता भी है। अगर आप चाहें तो केला भी ले सकते हैं। मेरे घर में इस समय केला नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। आप चाहें तो अनार भी ले सकते हैं, अमरूद भी ले सकते हैं। अच्छा खासा पेट भर लीजिए, क्योंकि अगला मील होगा आपका 2 घंटे के बाद। देखिए, फ्रूट्स में ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स पाई जाती हैं जो सुबह सुबह अगर आपके शरीर में जाएं वो बिल्कुल ऐसा काम करती हैं कि आपके शरीर को बहुत ही बढ़िया एनर्जी देती हैं, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करती हैं। तभी तो आपने शायद ये अमीरों के चोचले दवाई खाने वाली जो आदत है उसको देखा होगा। आधे से ज्यादा लोग सुबह सुबह उठ के विटामिन की पिल्स लेते हैं, दवाइयां खाते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तब तो दवाई समझ में आती है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स तो आपको फल से ही मिल जाते हैं, फिर क्या जरूरत है फालतू में दवाइयां खाने की। तो जल्दी से अपना विटामिन का डोज ले लीजिए, मैं मिलूंगी आपको अगले मील में। तो देखिए, अब 2 घंटा हो चुका है आप लोगों को फ्रूट्स लिए हुए। जाहिर सी बात है आपके पेट में चूहे भी दौड़ रहे होंगे, तो खाना खाने से किसने रोका है, आइए मैं दिखाती हूँ खाना खाने का सही तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं प्लेट भर के, थाल भर के खाना खा रही हूँ। मेरी घड़ी में तकरीबन 11:30 तक बज रहे हैं और ये राइट टाइम है आप लोगों का अपना ब्रंच लेने का, यानी कि नाश्ता और लंच। ये वही परफेक्ट चॉइस है उन लोगों के लिए जो कि घर की हाउसवाइफ्स हैं, कामकाज में अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, या फिर जो ऑफिस गोइंग है और सिर्फ एक ही ब्रेक मिलती है अपनी लंच या फिर स्नैक के लिए। तो
इस समय आप देख सकते हैं मेरी प्लेट है भरी हुई। इसके अंदर सबसे पहली चीज आपकी नजर पड़ते ही आप देखेंगे यहाँ पर है दो परांठे। ये है दाल के परांठे, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आटे यानी कि नॉर्मल गेहूं से ही बनाए गए हैं, प्याज डाला है, कद्दू यानी कि लौकी का इस्तेमाल भी करा गया है। जितनी भी आप फिलिंग डाल के बनाना चाहें बना सकते हैं, दो परांठे तक आपको अलाउड है। जो लोग चावल खाते हैं तो दाल ले लीजिए चावल के साथ में। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक हरी सब्जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे घर में बीन्स बनी थी तो मैं बीन्स ही खा रही हूँ, नखरस नॉट अलाउड। हाँ हाँ मैं जानती हूँ घर वाले तो बीन्स और आलू खाते हैं, लेकिन आज थोड़े से ट्विस्ट के साथ मैंने इसके अंदर पनीर के चंक्स भी डाले हैं आलू के साथ में, क्योंकि प्रोटीन भी तो जरूरी है। और मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी दही, चटनी जो हमारे गट बैक्टीरिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगी। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ खीरा। खीरा मैंने छिलके के साथ ही लेना पसंद किया है, आप चाहे तो बिना छिलके के भी खा सकते हैं। तो अब अगर इस तरह से खाना खाएंगे एकदम प्लेट भर के और पेट भर के, तो अगले 2-3 घंटे तक तो पक्का भूख नहीं लगेगी। और हाँ, खाना जब खा रहे हैं तो अच्छे से चबा चबा के खाना है और इसको अच्छे से डाइजेस्ट होने देना है। तो इसको खाने के बाद में 15 मिनट की लाइट वॉक है जो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगी। द बेस्ट टिप आई कैन गिव यू इज 15 या 20 मिनट टहलना या लाइट वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खाना तो आप लोगों ने खा लिया है और आप लोगों ने कर लिया है लाइट वॉकिंग, लेकिन फिर भी डाइजेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे मेरी इस फेमस फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी से, जो कि आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। पिछले हफ्ते ही मैंने वो वाली रेसिपी शेयर करी है आप सबके साथ एकदम डिटेल में, जिससे जिन लोगों ने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करा है उनको बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं आप लोगों को ये वाली रेसिपी भला कैसे ना दूं। तो आपने एक घंटे बाद लेनी है यही वाली फैट कटर ड्रिंक। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और ये आपको मदद करेगी और भी अच्छे से अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। तो अब तकरीबन 1 या 2 बजे के बीच में आपने फैट कटर ड्रिंक भी ले ली है, लेकिन जो एकदम से 2 घंटे के बाद चाय के समय भूख लगती है उसका क्या? उसका भी पूरा पूरा इंतजाम है। मैंने बनाई है इतनी स्वादिष्ट टिक्की जो कि फ्राइड ही नहीं है और बहुत ज्यादा टेस्टी है, और झटपट मिनटों में बनने वाली सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आपके अपने ही घर में। वही इंग्रेडिएंट मौजूद भी होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आप बिना फ्राई करे इस तरह का कोई स्नैक भी खा सकते हैं। भाई इस टाइम पे आप लोगों ने ऐसा स्नैक चूज करना है जो कि प्रोटीन रिच हो, कार्ब्स भी हों उसके अंदर और हेल्दी फैट्स भी हों। आइए जल्दी से ये मजेदार सी रेसिपी देखते हैं। आज सीखेंगे मजेदार टिक्की की रेसिपी बहुत ही कम तेल में बनी हुई। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/2 चम्मच तेल, फिर हम डाल देंगे अदरक हरी मिर्ची और उसको थोड़ी देर सोटे करने के बाद उबले हुए सफेद चने डालेंगे 50 ग्राम। चंद मसाले जैसे कि है नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नेक्स्ट इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया एकदम बारीक कटा हुआ। थोड़ी देर सोटे करेंगे, फिर ब्रेड के राउंडल्स काट के उसको अच्छे से पानी में भिगो के ये वाली स्टफिंग कर देंगे। बस इसको तवे पे करारा होने तक पकाएंगे और हम इसको गार्निश कर देंगे। बीटरूट है, कैरेट है, जितनी भी सब्जियों के साथ चाहे आप लोग कर सकते हैं। इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी। वाओ, इतनी टेस्टी रेसिपी मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी ज्यादा पसंद आई मुझे भी और मेरे घर वालों को भी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी झटपट इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। जब आपका शाम के समय चाय पीने का मन करे तो आप ले सकते हैं, लेकिन चाय या कॉफी में चीनी का सेवन नॉट अलाउड। आप चाहें तो चाय या कॉफी के साथ ये स्नैक ले सकते हैं या फिर उसको एज इट इज भी ले सकते हैं। अब जल्दी से आइए देखते हैं कि आगे आगे डाइट प्लान में खाना है भी या नहीं। हाँ हाँ खाना मिलेगा, क्यों नहीं भला। अगर आप लोगों को भूख लग रही है तो जरूर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब आपको भूख लगे तो आप ले सकते हैं घर में जो भी आप दाल बना रहे हैं वो 1 कटोरी, साथ में 1 कटोरी भर के हरी सब्जी, वो भी जो आपने घर पर बनाई है उसी को ही लेना है, अलग से कुछ नहीं बनाना अपने लिए। या फिर आप ले सकते हैं 1 प्लेट भर के सैलेड। इन तीनों चीजों का जो मिश्रण है ये आपका पेट अच्छे से भर देगा। अगर इसको खाने के बाद भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो 1 फुलका ले सकते हैं या फिर 1 छोटी कटोरी चावल। लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से अच्छा खासा पता है कि पूरे दिन में इतना अच्छे से आप लोगों ने न्यूट्रिएंट रिच फूड लिया है, आप लोगों को ना ही ओवर ईटिंग करने का मन करेगा और ना ही आलतू फालतू की क्रेविंग्स होंगी। तो अब आपका डाइट प्लान इधर ही समाप्त होता है। आप लोगों ने इसके बाद रात को और कुछ नहीं खाना, कोशिश करके 7 या 8 के बीच में अपना खाना खा लीजिएगा, बिकॉज खाना खाने में और सोने में
तीन घंटे का फासला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में आपने पूरे दिन में लेना है 3 से 4 लीटर पानी, और उसके साथ में आपने अपनी रात की नींद भी तो पूरी करनी है। तो 8 बजे तक खाना खा के 11 बजे तक सोना इज अ ग्रेट आइडिया। ज्यादा लंबे समय तक जगे रहेंगे तो भूख लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और आपने सुबह जल्दी भी उठना है तो 11 बजे तक तो पक्का सो ही जाइएगा। आई होप आपने इस डाइट प्लान से बहुत कुछ सीखा होगा और काफी कुछ अमल भी करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। भाई अब तो पतले हो ही जाइएगा। आई विल सी यू सून विद मेनी मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर।